करने से पहले मैं मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 10 बजे आज आने वाला हूं। दोस्तों तो जो भी चैनल को देखेगा जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा मेरे लाइव सेशन कोई भी अगर आपको डाउट आता है दोस्तों तो लाइवली आप डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ एंड मैं सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ जैसे कि आप भी जानते हो तो प्लीज जुड़िएगा मेरे साथ लाइव जितना हो सकता है उतनी वॉल्यूम चाहिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स की मेरे लाइव सेशन में दोस्तों तो जुड़िएगा ठीक तो दोस्तों आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो रहेगा असम राइफल की ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के रैली के बारे में जो कि आपको पता होने वाली है जिसका मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दिया था दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है बारह तो मुझे बच्चे पूछ रहे थे यार एज लिमिट कब से ली जाएगी यार गाइस क्योंकि बच्चों को काफी डाउट रहता है अपने एज को लेके कई बेचारे एक महीने ऊपर निकल जाते हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं कई एक महीने पीछे रह जाते हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के आपके सारे के माइंड में डाउट आता है और दोस्तों मैं भी मानता हूँ कि मेरे भी आता है दोस्तों क्योंकि ये लाजमी है ये होना बहुत जरूरी है अगर ये डाउट ही पैदा नहीं होगा तो फिर अप्लाई कैसे होगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका डाउट मैं कवर कर चुका हूँ दोस्तों आज ठीक है कवर करने वाला हूँ गाइस सॉरी सो so, ये देखिए दोस्तों आपकी जो एज ली जाएगी दोस्तों वो ली जाएगी एज ऑन एक अक्टूबर 2021 अगर आप एक अक्टूबर 2021 के बाद या इस दिन 18 साल के हो चुके हैं ठीक है मैक्सिमम आपकी 25 साल रखी गए दोस्तों यहाँ पे अगर आप 18 टू 25 के बीच में हैं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों तो दोस्तों आप इस फॉर्म को डाल सकते हो ठीक है तो आपकी जो एज ली जाएगी वो ली जाएगी एक अक्टूबर दो से दोस्तों ठीक है एंड अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पे आपकी एज रखी गई है दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड्स बता ट्रेड बताया कौन कौन से ट्रेड है यहाँ पे स्क्रीन पे दोस्तों आप देख रहे हो काफी सारे ट्रेड्स हैं। ये है ये देखिए क्लर्क है लाइनमैन है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट है व्हीकल मैकेनिक है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक है इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट रिपेयर सर्वेयर ऑफ हॉस्टर इलेक्ट्रीशियन मसाजी प्लम्बर एक्सरे फार्म कैमिस्ट फीमेल सफाई वाला मेल सफाई वाला और ये भी है बाकी आपको दोस्तों मैं बताता हूँ फिर से ये देखिए अपना कुक है पर्सनल असिस्टेंट है बार्बर है ब्रिज रोड है तो दोस्तों ये इतने सारे पद हैं जो निकले हैं और इन्हीं सभी पदों के लिए दोस्तों अलग अलग एज कैटेगरी रखा गया है ठीक है अब जो कुछ ऐसे पद है जहाँ पे आपका आईटीआई है या डिप्लोमा मांगा या फिर ग्रेजुएशन मांगा गया तो वहाँ पे देखो हा वहाँ पे आपकी एज जो है वो बढ़ा के ली जाती है ठीक है ज्यादा ली जाती है ठीक है तो ऐसे ऐसे दोस्तों ये पद है ठीक है और आपकी जो एज ली जाएगी दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया है एक अक्टूबर 2021 से उसकी गिनती की जाएगी ठीक है एंड एस सी को पांच साल की छूट है ओबीसी को तीन साल की छूट है तो 1230 पद निकलने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म रहेगा स्टार्टिंग डेट रहेगी ग्यारह सितंबर दो लास्ट डेट रहेगी पच्चीस अक्टूबर और दोस्तों इसकी जो रैली जो होनी है फिजिकल होना है रिटर्न होना है जो भी इसका होना है वो होना आपका एक दिसंबर 2021 से चालू हो जाएगा दोस्तों फीस रखी है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए दो सौ रुपए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए सौ रुपए दोस्तों और अगर एससी एसटी एस टी एक्सर हो तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आपका होगा ये ऑनलाइन फॉर्म चलेगा ठीक है बहुत ही अच्छा इस बार कर दिया इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म चलेगा दोस्तों नहीं तो बच्चे बेचारे ऑफलाइन फॉर्म भेजते थे है ना और हर एक चीज दोस्तों यहाँ पे मैंशन है कितनी हाइट ली जाएगी क्या चेस्ट ली जाएगी कितनी दौड़ लगानी है सारे एक चीज दोस्तों यहाँ पे मेंशन है तो दोस्तों सारा का सारा आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों ठीक है एंड दोस्तों हाँ बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों 1230 पद पे एंड जैसे ही दोस्तों किसी को भी अगर, अगर अपडेट लगता है पता तो प्लीज दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप वेबसाइट को चेक करते रहो आसाम राइफल की और जैसे भी किसी को भी अगर अपडेट मिलता है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों ठीक है और दोस्तों मैं वीडियो को अभी यहाँ पे एंड कर देता हूँ छोटी सी वीडियो बनानी थी मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि एज लिमिट क्या रखा गया ठीक है तो दोस्तों दस बजे लाइव आ रहा हूँ तो प्लीज दस बजे जितने भी हो सकते हैं सब्सक्राइबर जितने भी हैं मुझे प्लीज देख लीजिएगा दस बजे लाइव आने वाला हूँ दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत